मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट रुको। चले बेटा, डिजेनरेटिव डिजीजेस वो डिजीजेस होते हैं जो ऑटो इम्यून इलनेसेस की वजह से हो रहे हैं, जब तक जब एज फार एज वी आर कंसर्न्ड अबाउट द डिजीजेस ऑफ नर्वस सिस्टम, तो कुछ डिजीजेस जो हैं वो ऑटो इम्यून रीजंस की वजह से हो रहे हैं या वैसे ही ओल्ड एज के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। तो हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। डीमाइलिनेटेड डिजीजेस सबसे पहले देखते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स, माइलिन शीथ एंड न्यूरॉन्स की जो तेजी से इम्पल्स ट्रांसमिट करती है उस वो खराब होना शुरू हो जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है, माइलिन डिस्ट्रक्ट हो रही है लेकिन एक्सॉन बाकी जो है वो बचा हुआ है। वो किस तरह के नाम है उनके डिजीज के, वो दो तीन नाम है, एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक गियान बारे सिंड्रोम। अगर आप इसको फ्रेंच में, ये फ्रेंच साइंटिस्ट से दो, अगर फ्रेंच नहीं बोलना चाहते तो गिलान बार सिंड्रोम भी कह सकते हो, गिलान बार सिंड्रोम भी कह सकते हो, और जो है वो साइलेंट है। लेकिन अगर आप इसका असल बोलोगे तो गियान बारे सिंड्रोम, इस तरह करके उसकी प्रोनाउंसिएशन है। फिर एक्यूट डिसेमिनेटेड एनसेफलोमेलाइटिस, ठीक है, ये जो तीन बीमारियां हैं इनके अंदर माइलिन जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, इसे डीमाइलिनेटेड डिजीज कहते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस खवातीन में होने वाला, 20 से 40 साल की खवातीन में होने वाला सबसे कॉमन इलनेस है। इसका कॉज नहीं पता लेकिन मल्टीफैक्टोरियल है, क्योंकि इम्यून मीडिएटेड समझा जाता है इसको। तो जब एनवायरमेंट और जीन इंटरेक्शन होते हैं तो कुछ जीन्स जो है वो टर्न ऑन हो जाते हैं। तो वो जीन्स की जो टाइप्स हैं वो HLA हैप्लोटाइप्स हैं, A3B7DR2 एंड DW2। तो वायरसेस या ये जो इम्यून फैक्टर्स हैं या ये जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं ये इवेंचुअली कॉज करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डीमाइलिनेशन होती है, बाकी पेरिफेरल नर्व्स में डीमाइलिनेशन नहीं होती। तो क्या होता है, ब्रेन के अंदर एक सेल्स होते हैं स्पेशल, उनका नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं उनका काम ये होता है कि ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर माइलिन चढ़ाए। जैसे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर श्वान सेल्स होते हैं ना, श्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन प्रोड्यूस करते हैं और न्यूरॉन्स के ऊपर लगाते हैं। इस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। तो जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अंदर है तो वहां के जो माइलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से कई जगह डीमाइलिनेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो इरेगुलरली ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ऑप्टिक नर्व के अंदर, ब्रेन स्टेम के अंदर, वेंट्रिकल्स के इर्द गिर्द एरिया में ऐसे डीमाइलिनेटेड एरियाज मिलते हैं, ठीक है। और इनके अंदर हेल्पर टी सेल्स और मैक्रोफेजेस जो है वो इन प्लाक्स के अंदर जो डीमाइलिनेटेड एरियाज हैं वहां पे वो चले जाते हैं। हेल्पर टी सेल्स अगेन इम्यून मीडिएटेड रोल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद रिएक्टिव ग्लायोसिस होता है, यानी कि रिएक्टिव ग्लायोसिस का मतलब है क्या है, जो ग्लायल सेल्स होते हैं ना, ग्लायल सेल्स कहते हैं ब्रेन के वो सेल्स जो न्यूरॉन्स के अलावा सपोर्ट करते हैं ब्रेन को। उसके अंदर एपेंडिमल सेल्स आ जाते हैं, एस्ट्रोसाइट्स आ जाते हैं, एक ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं वो आ जाते हैं। उनका काम क्या होता है, जैसे कि अभी एक मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल दी है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिनेशन करते हैं, जो एपेंडिमल सेल्स हैं वो CSF बनाते हैं, और एस्ट्रोसाइट्स हैं वो वैसे हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन में ऑफ द अदर न्यूरॉन्स। तो जब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कम होना शुरू होते हैं तो बाकी सेल्स जो हैं वो ज्यादा होना शुरू होते हैं, जो हेल्पिंग सेल्स होते हैं उसको, उन सेल्स को इकट्ठा ग्लायल सेल्स कहते हैं। तो रिएक्टिव ग्लायोसिस का मतलब है कि वो सेल्स ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक भाई चला गया, हम बाकी ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता, नुकसान होता है। अच्छा, क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स क्या है बेटा, ये इस तरह का बीमारी है, एक तो डिपेंड करेगा कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है इसके अंदर। दूसरी, ये इस तरह की बीमारी है कि कभी ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, कभी ठीक हो जाएगी, फिर ज्यादा होगी, फिर ठीक हो जाएगी, ठीक है, फिर स्लोली स्लोली जो है मेंटल पावर जो है इंसान की वो थोड़ी थोड़ी रिटार्डेड होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो चीजें आमतौर पर नजर आना शुरू होती हैं वो वीक हो जाते हैं लोअर लिम्स। फिर अगर ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर रही है, उसकी डीमाइलिनेशन हो रही है, तो VN में चेंजेस आएंगी, वियर डिस्टर्बेंस होगी। और चूंकि ऑप्टिक नर्व बिल्कुल आईबॉल के पीछे होती है तो रेट्रो बल्बर पेन होगी, सेंसरी डिस्टर्बेंसेज होंगी, ठीक है, सेंसेशन में प्रॉब्लम होगी, और ब्लैडर कंट्रोल का लॉस हो सकता है अगर स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स के ऊपर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर विजुअल चेंजेस है, बाकी चीजें ज्यादा हो या ना हो, क्योंकि अक्सर एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो बाकी चीजें हो ना हो लेकिन VN में चेंजेस जरूर आती हैं, क्योंकि ऑप्टिक नर्व की डीमाइलिनेशन का सबसे पहले साइन सिम्टम नजर आना शुरू होता है। कभी कभार इसके अंदर एक ट्रायड ऑफ सिम्टम्स होता है जिसे कहते हैं शॉर्टकट ट्रायड। उसके अंदर निस्टैग्मस होता है, मतलब आई बॉल की मूवमेंट होती है हल्की हल्की, ठीक है, इंटेंशन ट्रेमर होता है, कोई काम करने की कोशिश करो तो हाथ हिलना शुरू हो जाते हैं, और स्कैनिंग स्पीच, स्पीच का एक स्पेशल पैटर्न होता है जिसमें स्लो स्पीच होती है,
ये तीनों चीजें इकट्ठी होती हैं तो इसको शार्कट ट्रायड कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें आपको सोचना पड़ता है अगर किसी पेशेंट में ये है तो शायद उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। तो ये जो रेड में दो चीजें लिखी हुई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी साइन सिम्टम्स हो ना हो ये वाले जरूर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं बेटा? इसके अंदर आप सीएसएफ अगर इसका टैप करके देखोगे तो उसका एनालिसिस करोगे तो उसके अंदर गैमा ग्लोबुलिन ज्यादा होगी। ठीक है, और उस गैमा ग्लोबुलिन के अंदर ओलिगोक्लोनल बैंड होते हैं। ये मुख्तलिफ जब आपकी एंटीबॉडीज को देखा जाता है, जब उनको आप मुख्तलिफ लैब टेस्ट के अंदर देखते हैं तो उसका कुछ हिस्सा होता है जो बैंड के फॉर्म में नजर आता है ऑन द टेस्ट। ठीक है, उसको ओलिगोक्लोनल बैंड कहते हैं। वो आमतौर पर ये शो कर रहे होते हैं कि कोई वायरस है या इम्यून रीजन है पीछे जो जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो अगर गैमा ग्लोबुलिन ज्यादा हुई भी है और ओलिगोक्लोनल बैंड आ रहे हैं तो देर इज अ वायरल इम्यून रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, या आपको दिखाने की कोशिश की हुई है ये एरियाज हैं वेंट्रिकल्स के जहाँ पे डीमाइलिनेशन हुई भी है। ठीक है, और वो आपको नजर आ रही है हल्की हल्की, अगेन डीमाइलिनेटेड एरियाज थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं। क्या कॉज है? ऑटो इम्यून, फीमेल्स में ज्यादा, फैमिलीज में जाता है, हेयरिंग के विद प्रॉब्लम्स, निस्टैग्मस, दो चीजें नजर आती हैं। अब वीएन प्रॉब्लम्स थे, किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं? डिप्लोपिया दो दो नजर आता है, ब्लरी वीएन होता है, डिसआर्थ्रिया बोलने में मसला, डिस्फेजिया समझने में मसला, 20s to 40s के अंदर मसला होना शुरू हो जाता है, स्टिक लेके चलना पड़ता है, पैरालिसिस हो सकता है लोअर लिम्स का, मसल जो है वो बहुत बहुत स्पाज्म में होते हैं, चलने में मसला होता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा जो आपका अगर जेनिटो यूरिनरी सिस्टम पे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए तो यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है। ब्लैडर जो है वो, चूंकि ब्लैडर के जो मसल्स हैं, ब्लैडर के अंदर भी मसल्स होते हैं, जब वो मसल्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो फिर यूरिनेशन नहीं होने देंगे, तो इस वजह से यूरिनरी रिटेंशन होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं। अब दूसरी कॉज जो है डीमाइलिनेटिंग डिजीज की, वो है एक्यूट डिसेमिनेटेड एनसेफलोमेलाइटिस। ये होता है, इसको पोस्ट इन्फेक्शन एनसेफलाइटिस भी कहते हैं, मतलब इन्फेक्शन हुआ कहीं और का। अभी हमने एनसेफलाइटिस किया था लास्ट, उसमें इन्फेक्शन हुआ कहीं और का, मीजल्स हुए, मम्स हुए, रुबेला, चिकन पॉक्स, लेकिन वो इस वायरस के बाद कुछ देर बाद ब्रेन पर इम्पैक्ट हो गया। ठीक है, ये समझा जाता है कि दिस माइट बी ड्यू टू अ डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी कि अ टाइप ऑफ इम्यून मीडिएटेड मैकेनिज्म। ठीक है, या तो ये इंसान पूरा रिकवर कर जाता है लेकिन कई दफा डेथ भी हो जाती है, और इसके अंदर भी वाइड स्प्रेड डीमाइलिनेशन होती है, माइलिन प्रोटीन माइलिन जो है वो खत्म हो जाती है न्यूरॉन्स के ऊपर से। जो गियान-बारे सिंड्रोम है ये भी डीमाइलिनेटिंग डिजीज है, लेकिन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये कि पेरिफेरल नर्व्स पे अटैक करता है। जो हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस किया था वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व्स पे अटैक कर रहा था। इसकी सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स जवान लोगों में होती है, वायरल इन्फेक्शन होता है इससे पहले या कोई इम्यून रिएक्शन होता है तो इसको भी ऑटो इम्यून इलनेसेस में समझा जाता है। इसकी जो मैनिफेस्टेशन होती है क्लिनिकल या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या साइन सिम्टम्स जो होते हैं उसमें असेंडिंग मसल वीकनेस और पैरालिसिस होता है। व्हाट इज असेंडिंग मसल वीकनेस? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, नर्वस सिस्टम में जब भी आपको मसल वीकनेस आएगा ना उसका मतलब होता है कि फालेज की तरफ जा रही है चीज। ठीक है, मसल वीकनेस के बाद इवेंचुअली पैरालिसिस हो जाता है। मसल वीकनेस का मतलब ये है कि अपना आप मसल नहीं हिला पा रहे तो इवेंचुअली जा बाद फालेज की तरफ रही होती है। अच्छा खैर, असेंडिंग का मतलब क्या है कि नीचे से शुरू होता है, टांगों से शुरू होती है वीकनेस और स्लोली स्लोली ऊपर थाइस में जाएगी, ऊपर बाकी बॉडी में आती चली जाएगी। सो इस तरह से असेंडिंग मसल वीकनेस होती है, लोअर पार्ट ऑफ लोअर लिम्ब में फिर ऊपर जाती है। रेस्पिरेटरी फेलियर, इसमें जो डेथ होती है वो रेस्पिरेटरी फेलियर, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की नर्व्स उनके मसल्स रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने वाली नर्व्स जब इम्पैक्ट होती हैं तो रेस्पिरेटरी मसल सही तरह से काम नहीं कर सकते, सांस नहीं आएगा तो बंदा बचेगा तो नहीं ना। ठीक है ना, सो रेस्पिरेटरी फेलियर अगर हो जाए खुदा ना खास्ता तो उसकी वजह से डेथ होती है गियान-बारे सिंड्रोम में। अच्छा, इसके अंदर क्या आता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन होती है। इसका मतलब क्या है, एल्ब्यूमिन होती है प्रोटीन, साइटोलॉजिक का मतलब सेल्स, तो डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि प्रोटीन कंसेंट्रेशन और जो सेल्स हैं उनके बीच में जो रेशियो है वो सही नहीं रहती, प्रोटीन बहुत ज्यादा हो जाती है और जो सेल है वो उतने ज्यादा इंक्रीज नहीं करते सेल काउंट। जैसे भी हमने सीएसएफ के अंदर पढ़ा था, प्रोटीन होती है, सेल्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, सो जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं लेकिन सेल काउंट इतना ज्यादा नहीं होता, उसको एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन कहते हैं। जो अगर आपको सीएसएफ में नजर आ जाए
तो वो इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है कि शायद इसको गियान-बारे सिंड्रोम हो रहा है। ठीक है, पॉसिबली ऑटोइम्यून, मुख्तलिफ वैक्सीनेशंस के साथ इसका लिंक है। रेस्पिरेटरी, अच्छा इससे पहले जो वायरल इलनेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा वायरल, या इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होगा, इधर इट वुड बी जीआई इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। उसके बाद जो है ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है और वो फिर जाके नर्व्स को इन्वॉल्व करता है और डीमायलिनेशन शुरू कर देता है। ठीक है, कुछ घंटों से दिनों के अंदर अंदर मसला शुरू हो जाता है और हल्की हल्की मसल जो है वो एट्रोफी भी होना शुरू हो जाती है, लोअर लिम्स में शुरू होता है, दोनों लिम्स में शुरू होता है और ऊपर की तरफ जाता है, वीकनेस होती है, चलने में मसला होता है और फिर पैरेस्थीसिया होता है, मतलब सेंसेशंस नहीं होती, फिर उसके बाद पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर, बोलने के अंदर, क्योंकि फेरिंग्स के मसल्स, रेस्पिरेशन के मसल्स या उनकी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं और बावल ब्लैडर फंक्शन इसमें भी इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास आ गया है डीजेनरेटिव डिजीजेस। डीजेनरेटिव डिजीजेस में हमारे पास वो डिजीज है जो ओल्ड एज में होती हैं। अब मुख्तलिफ ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ डिजीज होती हैं। जो कॉर्टेक्स है, जो ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट है, उसमें अगर मसला हो तो डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज हो जाता है, जो भूलने की बीमारी है। अगर बेजल गैंग्लिया और ब्रेन स्टेम में मसला हो तो पार्किंसन डिजीज होता है। बेजल गैंग्लिया क्या होते हैं, ब्रेन के अंदर थैलेमस की दोनों साइड्स पे छोटे छोटे कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होती हैं ग्रे मैटर की, जो कि आपका मोटर सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती हैं, आपके बॉडी की मूवमेंट्स को, तो उन पे इम्पैक्ट होता है तो पार्किंसन डिजीज हो जाता है। फिर उसके अलावा स्पाइनो सेरिबेलर प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके अंदर अटैक्सिया हो जाता है। अटैक्सिया का मतलब चलने में मसले सेरिबेलम में जब होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर मसला हो तो फिर मसल एट्रोफी हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट दीज वन बाय वन। पहले हमारे पास आ गया अल्जाइमर डिजीज। सबसे डिमेंशिया की ना 5-6 टाइप होती है, सबसे कॉमन जो टाइप है डिमेंशिया की वो अल्जाइमर डिजीज है। अल्जाइमर डिजीज 60 साल की एज पे शुरू होता है, अक्सर फैमिली 10% जो इसका फैमिली इनहेरिटेंस होती है और 40 ईयर्स के आसपास जो है वो काम शुरू हो चुका होता है, लेकिन आगे जाके इसके सिम्टम नजर आते हैं। कॉज पता नहीं है, एक एमाइलॉयड जीन होता है एमाइलॉयड, एमाइलॉयड जीन का जो एक्सप्रेशन है वो एबनॉर्मल हो जाता है, उसके अंदर म्यूटेशन होती है और इन लोगों में कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी होती है, जो एसिटाइल कोलीन जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर है एक इंपॉर्टेंट, और उसको जो उसके बनाने में जो एक एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है वो कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज, उसकी डेफिशिएंसी होती है। और एक और न्यूक्लियस बेजलिस होता है मेनर्ड का, उसके अंदर ऑल्ट्रेशन होती है। दिस इज अ न्यूक्लियस इन द ब्रेन, अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। फाइंडिंग्स क्या होती हैं आपको, इसके साइन सिम्टम्स क्या नजर आते हैं, स्लोली स्लोली प्रोग्रेसिव होता है, इवेंचुअली इंटेलेक्चुअल जो आपकी कैपेसिटी है वो डिटीरियरेट होना शुरू हो जाती है स्लोली स्लोली स्लोली। पहले रिसेंट मेमोरी लॉस शुरू होता है, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होता है, फिर उसके बाद इवेंचुअली आपको पढ़ना लिखना भूलना सब कुछ भूलना शुरू हो जाता है, अपना ख्याल भी नहीं रख सकते आप। मोटर इलनेसेस होती हैं, आपके लेग्स वगैरह में चलने फिरने में मसले होते हैं, कंट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब स्टिफनेस होती है मुख्तलिफ जगहों पर, पैरालिसिस हो सकता है, और इसके अलावा ये जब होता है इवेंचुअली तो इसका मतलब है कि ये आखिरी चीज है, इसके बाद आपकी डिजीज जो है वो डेथ की तरफ प्रोग्रेस कर रही है। अच्छा, हिस्टोलॉजी में माइक्रोस्कोप के नीचे क्या नजर आता है, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स होते हैं। व्हाट आर न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, फिलामेंट्स के धागों, छोटे छोटे धागे टाइप, उनके बंडल्स बन जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और थोड़े से वो बंडल्स जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है इन अ सेल, उससे निकले होते हैं वो फिलामेंट्स, कुछ जो है वो नर्व्स के थ्रू निकले होते हैं। वो दोनों मिल के एक छोटे छोटे से जरात बनाते हैं, या वो दोनों जमा हो जाते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स के अंदर, तो न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स उन्हें कहते हैं। फिर न्यूरेटिक प्लाक्स होते हैं, सीनाइल प्लाक्स, सीनाइल मतलब ओल्ड एज। इसके अंदर क्या होता है कि एक नर्व सेल, रेडिश से नर्व सेल, उसकी स्वेलिंग हो जाती है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर उन सोलर नर्व सेल्स की मुख्तलिफ कनेक्शन बन जाती हैं, कलेक्शन बन जाती हैं, वो जमा हो जाते हैं, या वो हिप्पोकैम्पस में जमा हो जाते हैं या एमिग्डाला में जमा हो जाते हैं। ठीक है, उनके बीच में एक एमाइलॉयड कोर होता है, उसका अपना प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि अच्छा ये जो चीज़ जमा हो रही है यहाँ पे नर्व सेल्स की कलेक्शन, एमाइलॉयड एक टाइप की प्रोटीन है, तो ये जब जहाँ पे जमा हो रहा है तो आप फिर बता सकते हैं कि अच्छा ये अल्जाइमर डिजीज लग रहा है। फिर उसके अलावा ग्लैरुलो वेस्कुलर डिजनरेशन है, उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे न्यूरॉन्स, सॉरी न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज है उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो है वैक्यूल ज्यादा अपीयर होना शुरू हो जाते हैं।
हिप्पोकैम्पस के जो पिरामिडल सेल्स हैं उनके अंदर इस तरह के सेल्स वैक्यूल वाले ज्यादा इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं, उसे ग्रैनुलो वैस्कुलर डिजनरेशन कहते हैं। तो ये तीन चीजें आपको माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आ सकती हैं, याद रखिएगा कि किस एरिया में है और क्या है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पैथोलॉजी है। अल्जाइमर्स कंफर्म करने के लिए आपके पास डॉक्टर अगर उसकी ब्रेन बायोप्सी करता है तो वो आपको भेजेगा ये सारी की सारी की, देख के बताना है इसके अंदर नीलोफिब्रिलरी टैंगल्स वगैरह तो नहीं है, ग्रैनुलर वैस्कुलर डिजनरेशन तो नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज है। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होती है, एमाइलॉइड एंजियोपैथी और भी हम बाकी पढ़ रहे हैं। एमाइलॉइड एंजियोपैथी मतलब जो वेसल्स हैं, एनजीओ का मतलब होता है वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर एमाइलॉइड प्रोटीन डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हैरानो बॉडीज वो क्या होती हैं, जो एक प्रोटीन होती है एक्टिन प्रोटीन, वो जमा होना शुरू हो जाती है डेंड्राइट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो उनके अंदर जब वो जमा होना शुरू हो जाती है तो उसे आप हैरानो बॉडीज कहते हैं, वो रेडिश रेडिश की नजर आती है। इयोसिनोफिलिक का मतलब ये है कि माइक्रोस्कोप के नीचे वो रेडिश नजर आएंगी। इसके अलावा अगर आप ब्रेन देखें तो उसकी एट्रोफी सी नजर आती है और कुछ न्यूरॉन्स का लॉस नजर आता है। फ्रंटल और हिप्पोकैम्पल एरिया में सबसे ज्यादा आपको ब्रेन छोटा हुआ नजर आएगा, फ्रंटल और हिप्पोकैम्पल एरिया में। और उसके अलावा जो सल्काई और जायराई है, यानी कि जो फोल्ड होते हैं ब्रेन के, जो फोल्ड है, जो डेप्थ है उसकी, वो थोड़ी वाइड हो जाएगी और जो फोल्ड इटसेल्फ है वो छोटा होगा। डेप्थ सल्काई, देखो जो ब्रेन एट्रोफी होती है ना, वो पता कैसे चलती है, वो ब्रेन एट्रोफी नजर इस तरह से आती है कि जो इनके फोल्ड हैं ब्रेन के, आई हैव टू शो यू एक सेकेंड, जो ब्रेन के फोल्ड हैं, ठीक है, ये यू 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 फोल्ड है ना, तो ये जो जहाँ पे डेप्थ है ये सल्कस है, ऊपर जायरस है, जो सल्काई और गायराई है ये डेप्थ ज्यादा होगी, ये फूल जाएगी डेप्थ, और जो गायराई है वो छोटे हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है सल्काई बड़े हो जाएंगे और गायराई जो है वो छोटे हो जाएंगे, ठीक है, तो सल्काई वाइडन हो जाएंगे और गायराई जो है वो नैरो हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या नजर आता है, अच्छा अब ये चीजें आपको जो चेंजेस है ना, ये आपको एजिंग में वैसे भी नजर आती हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान के अंदर जिसके अंदर आपको ये चेंजेस नजर आ रही है उसको जरूर अल्जाइमर हो, ठीक है। तो नॉर्मल लोगों में भी ये नजर आता है, डाउन सिंड्रोम वाले लोग जो 40 की एज तक जिंदा रहते हैं उनके अंदर भी नजर आता है, कुछ पार्किंसनिज्म वाले डिजीज है उसके अंदर भी न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स नजर आते हैं। तो इसके अलावा आपको बाकी क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स भी पता होने चाहिए प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए। 5 A's हैं अल्जाइमर डिजीज के, एमनीजिया यानी कि मेमोरी लॉस, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, हम कौन है। एनोमिया, एनोमिया का मतलब है कि नाम भूल जाता है चीजों का। एप्रेक्सिया, क्योंकि चीजों का गलत इस्तेमाल होता है, फोन पकड़ के बंदा जो है वो पेन समझ के उसे लिखना शुरू कर देगा क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा। एग्नोजिया, एग्नोजिया होता है कि जो फेमिलियर चीजें हैं या साउंड हैं या टेस्ट हैं या बाकी सेंसेशन है वो बंदे को भूल जाती है कि ये क्या थी। एफेजिया का मतलब सही तरह से बंदा बोल नहीं सकता जो वर्ड जिसने बोलने हैं, ठीक है। ये 5 A's हैं अल्जाइमर्स के डायग्नोसिस के लिए। तो खाली लैब चेंजेस नहीं आपको बताएंगी बल्कि सारी पिक्चर देखनी जरूरी होती है, ठीक है। तो कॉमन कॉज डिमेंशिया का है, यानी कि भूलने की जो बीमारियां हैं उसका सबसे कॉमन कॉज अल्जाइमर है। कॉर्टिकल एट्रोफी होती है, यानी जो कॉर्टेक्स है वो छोटा हो जाता है। न्यूरोटिक प्लेक्स अभी आपको बताए हैं, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स भी बताए, और एमाइलॉइड प्रोटीन, बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर बेसल गैंग्लिया की डिजेनरेटिव डिजीज की बात करें तो पार्किंसनिज्म डिजीज आ जाता है, पार्किंसनिज्म भी आता है, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी भी होती है, और हंटिंगटन डिजीज। ये तीन बीमारियां हैं जो बेसल गैंग्लिया की बीमारियां हैं। हंटिंगटन डिजीज किस तरह का डिसऑर्डर है बेटा, ये मसल कोऑर्डिनेशन के ऊपर सबसे पहले इफेक्ट करता है, और इसके साथ साथ छोटा स्लोली स्लोली जो जहनी आपका जो सोच का लेवल है वो डिक्लाइन होना शुरू होता है, आप सही तरह से सोच नहीं सकते और बिहेवियरल प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है जो डायग्नोसिस में हेल्प करती है वो है हंटिंगटन कोरिया। कोरिया क्या होता है, एबनॉर्मल झटके वाली मूवमेंट्स, आप बाजू ऐसे साइड से लेके आओगे एकदम से झटके लग रहे होंगे, नॉर्मली वापस आते हैं, जो नॉर्मल इन्वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं दे आर नोन एज कोरिया मूवमेंट्स या कोरियाइड मूवमेंट्स, और वो हंटिंगटन डिजीज में होती हैं, मसल कोऑर्डिनेशन में मसला हो रहा है, सो उसे हंटिंगटन कोरिया कहते हैं, ठीक है। हंटिंगटन डिजीज में आपको वेंट्रिकल थोड़े एनलार्ज नजर आ रहे हैं, सेरेब्रल टिश्यू, ये यहाँ पे साइड पे बेसल गैंग्लिया होता है, ये नॉर्मल बेसल गैंग्लियल सेल्स हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये छोटा हो गया है क्योंकि उसकी एट्रोफी हो जाती है, वो इम्पैक्ट होना शुरू होता है हंटिंगटन डिजीज में, ठीक है।
ये कॉर्डेट और पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस जो है ये बेसिकली बेसल गैंग्लिया के मुख्तलिफ न्यूक्लियाई के नाम है। तो वो जब छोटे होना शुरू हो जाते हैं, कॉर्डेट, न्यूक्लियस, पुटामेन, ग्लोबस पैलिडस, तो वो आपको नजर आता है हंटिंगटन डिजीज में, वो छोटे होते नजर आते हैं। कम छोटे होंगे तो माइल्ड सिम्टम्स होंगे, ज्यादा छोटे होंगे तो और ज्यादा बुरे सिम्टम्स होंगे। सो हंटिंगटन्स में और अल्जाइमर्स में क्या फर्क है? हंटिंगटन्स डिजीज जो है वो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है इसके अंदर वो ये है कि न्यू इंफॉर्मेशन जो है वो हंटिंगटन्स में बंदा स्टोर कर सकता है, अल्जाइमर्स में नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें जो स्पीच होती है वो स्लो होती है लेकिन एक्यूरेट होती है, अल्जाइमर्स में स्पीच इम्पैक्ट होती है बहुत बुरी तरह से। ठीक है, और जो रिकॉल है, मेमोरी रिकॉल, वो इम्पेयर होता है, राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं आता। लेकिन अगर आप उसको कुछ अल्फाज बताओ, जैसे बंदा कई दफा कोई लव्ज यूज करते हुए भूल जाता है, आप उसे धक्का लगाते हो, जैसे कि अक्सर चुपनों के साथ वायवास में होता है, तो वो धक्के लगने से चल पड़ता है। लेकिन जो अल्जाइमर्स डिजीज है उसको धक्का भी लगाओगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, मोटर मेमोरी जो है उसमें कोई नई चीज या कोई नया स्किल नहीं सीख सकता, लेकिन जो अल्जाइमर्स डिजीज है उसके अंदर नया स्किल या नया मोटर चीज जो है वो सीख सकता है, जिसमें उसके मसल्स इन्वॉल्व हों। पार्किंसन डिजीज जो है वो एक सिंड्रोम है, एक खाली डिजीज नहीं है। इसके अंदर आपको पता है पॉस्चर के ऊपर इम्पैक्ट होता है, फेशियल एक्सप्रेशन पे इम्पैक्ट होता है, जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, गेट शॉर्ट और फास्ट होती है, जिसे फैसिनेटिंग गेट कहते हैं, और कॉगनी रिजिडिटी होती है, यानी अगर आप हाथ अपना एल्बो अगर अपनी फ्लेक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो हल्की 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 स्लो कॉग व्हील की तरह स्लो 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 बेंड होगी। और ट्रेमर जो है वो पिल रोलिंग होता है, ऐसे जैसे आप हाथ में कोई गोल सी पिल बना रहे हो और उस तरह से उंगलियां जो है एक दूसरे के ऊपर उनके अंदर जो है वो ट्रेमर होता रहता है, मतलब वो हल्का हल्का झटका लगता रहता है उनको। कॉज क्या होता है बेटा? कॉर्पस ट्रायटम, ब्रेन का वो हिस्सा जो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को मिला रहा हो, उसके अंदर डोपामीन जो न्यूरॉन जो ट्रांसमीटर है वो कम हो जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, फिर कॉग्निटिव इंटेंशन ट्रेमर, हेलुसिनेशंस भी होती है, डिमेंशिया भी होता है, और अगर आप इसको एल डोपा एक ड्रग है वो दो तो जो डोपामीन कम हुई होती है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है वापस, तो थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाता है, लेकिन 100% कई दफा ठीक नहीं होता। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ब्रेन में दो जगह है, लोकस रिलियस एंड सबस्टेंशिया निग्रा, जिनका काम रिवॉर्ड के साथ रिवॉर्ड मैकेनिज्म में इनका काम है, और इनका काम होता है इन कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट। तो उनके अंदर वो कलर्ड होते हैं, ब्लैकिश से ब्लूइश से कलर, ग्रेश कलर होता है, वो उसका कलर जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा ल्यूई बॉडीज नजर आती हैं आपको सेल्स के अंदर, वो क्या होती हैं? अल्फा साइनोक्रिन प्रोटीन होती है जो जमा होना शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिश स्पॉट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स, उन्हें ल्यूई बॉडीज कहते हैं, वो अल्फा साइनोक्रिन प्रोटीन होती है। ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज क्या होता है? स्लो प्रोग्रेसिव इलनेस है, 50 साल के बाद शुरू होगी, ब्लैंक फेस होगा, कोई इस पे इमोशन वगैरह नजर नहीं आ सकेंगे क्योंकि फेस के मसल्स इंपैक्ट होते हैं, पॉस्चर जो है वो थोड़ा सा स्टूप होगा, आगे को झुका हुआ होगा, पिल रोलिंग ट्रेमर होगा, रोल करी जाएगा उंगलियां अपनी। ठीक है, शफलिंग गेट होगी, और इसके अलावा मसल रिजिडिटी, कॉग व्हील, जर्किंग मूवमेंट्स, कभी कभार मेंटल ड्यूरेशन भी हो सकती है, ब्रेडिकाइनेसिया, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, आईलिड स्लो ब्लिंक करेगा, चलते हुए जो बाजू हिलते होते हैं लोगों के साइड पे बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलना शुरू करना मुश्किल होगा। ठीक है, इस तरह की चीजें होंगी इसके अंदर। सो दैट इज इट, अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लीजिए। अदरवाइज वी आर डन।